इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। राकेश की पत्नी बनाकर इस घर में लाने के बारे में आप ऐसे कैसे कर सकती है? बेटा, इसमें मेरी दुविधा ये होती है कि मैं किस मुंह से मेरे बेटे को वापस मांगूं राजेश्वर से। वही तो बता रहा हूं समधी जी, कि रिश्तों का वो अधूरापन अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं और आप अब पूरी तरह से एक दूसरे के समधी बन चुके हैं। कहां होगी, किस हाल में होगी, ना आप खुद पता लगाते हैं उसके बारे में, ना हमको कुछ करने देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा पापा? मैं बताती हूं, बताती हूँ आप लोगों को कि साक्षी कहाँ है, किसके घर पर है। फिलहाल भाई साहब आप इतना समझ लीजिए कि वो जहां भी है सुरक्षित है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आप यहाँ? भाई साहब, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आई हूं। और अपने बेटे के लिए, आपकी बेटी साक्षी का रिश्ता मांगने आई हूं। देखिए भाई साहब, अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे बेटे राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी कि किसी लड़की की जिंदगी किसी की भी वजह से कभी बर्बाद हो, फिर भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मैं जानती थी, मुझे विश्वास था आप पर माँ जी। आप कुछ भी करके राहुल को मनाने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, और इसीलिए आखिर सच्चाई की जीत हुई और राहुल ने अपनी गलती मान ली और ये रिश्ता करने के लिए तैयार हो गया। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की गलती की वजह से आपको अपनी बेटी से अलग होना पड़ा और साक्षी को उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। आंटी, आंटी माफी मांगने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। जिंदगी कभी कभी इंसान को इतना उलझा देती है कि वो ऐसा कुछ कर बैठता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। सही कह रहे हो बेटा, पर अब तो वो गुजरी बात हो गई।
मैं तो यहाँ एक नई शुरुआत करने के लिए आई हूँ। बच्चों ने जो नया रिश्ता कायम किया है उसको स्वीकार करने आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब आप मेरी बात मान लेंगे और इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। भला हम क्यों इनकार करेंगे बहन जी, हम तो इस रिश्ते की राह देख रहे थे। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। अभी आप सबसे पहले जाकर साक्षी को घर ले आइए। वो के मुंजाल के घर पर है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा यही सच है। वो तो शुक्र है भगवान का कि सही वक्त पर सच सबके सामने आ गया। नीलिमा जी ने मुझे राकेश और रितिका के बारे में बात करने बुलाया था और उसी वक्त स्नेहा वहां राधिका के साथ आ गई। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि राधिका और राकेश एक दूसरे को पसंद करते। लेकिन माँ राधिका राकेश को इतने करीब से कैसे जानती है? बेटा जब राकेश घायल हालत में गांव में था ना राधिका ने उसकी देखभाल की थी। राधिका और राकेश एक दूसरे को पसंद करते। लेकिन मैं राधिका राकेश को इतने करीब से कैसे जानती है? बेटा जब राकेश घायल हालत में गांव में था ना राधिका ने उसकी देखभाल की थी। उसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये बात तो सच ही है कि उस वक्त राकेश की याददाश्त तो जा चुकी थी। तो क्या वो लोग राधिका और राकेश की शादी के लिए तैयार हैं? बेटा जब राकेश और राधिका एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन लोगों को भला एतराज क्या होगा। और जब वक्त करवट बदलता है तो ऐसा ही होता है और ये बात मैंने कल ही महसूस की है। बेटा नीलिमा जी के घर मुझे जब पता चला कि राधिका और राकेश एक दूसरे को पसंद करते हैं हैरानी हुई। और जब वापस घर लौटी तो पता चला कि मानस और रितिका एक हो गए, उनके बीच समझौता हो गया। माँ मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा और साक्षी का रिश्ता टूटा और उसका असर दीदी की जिंदगी पर नहीं पड़ा। बेटा हर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास कभी ना कभी जरूर होता है। उन्हें भी समझ में आ गया है कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ साक्षी ने ये बातें छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। खैर मैं तो ये चाहूंगी कि साक्षी को उसकी खुशियां। और राकेश और राधिका की शादी की बातें तो चल ही रही होंगी। मेरे आने के बाद वहां क्या हुआ था? पर कमाल का आइडिया है आपका, कमाल का। इस बात को तो कोई काट ही नहीं सकता। देखिए हमें रितिका को वहां घर पे आने से रोकने के लिए एक वजह चाहिए और वजह आपने दे दी। पर एक बात तो जरूर कहूंगा कि आपने अपनी बहन को सामने कर दिया। मैं पूछ रही हूँ कि मेरे आने के बाद वहाँ क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या कहा? अरे वही तो बता रहा हूँ, वो लोग राकेश से बहुत प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। पर आपने तो अपनी बहन का रिश्ता उससे जोड़ दिया, अब इस रिश्ते से कैसे मना करेंगे? यहाँ कैसे मना करेंगे? मना करने की जरूरत क्या है? क्या 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 कह रही हैं आप? ठीक कह रही हैं। वहाँ आकर ना मैंने कोई झूठ बोला और ना कोई झूठी बात बनाई। अरे तो आपका मतलब है कि आपकी बहन सचमुच राकेश से प्यार करती है क्या? हाँ। अरे पर लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे भी ये बात कहाँ पता थी, कल ही मुझे राधिका ने ये बात बताई और जैसे राधिका ने ये बात बताई
मुझे रितिका को रोकने के लिए एक वजह मिली। राधिका यही समझती है कि तुम राकेश हो। तो क्या आपके इस प्लान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता क्या? नहीं, और उसे ये बताना भी नहीं है, क्योंकि राधिका ही ऐसी है जिसने रितिका के घर वालों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि तुम ही राकेश हो, और ये उसे कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम राकेश नहीं हो, क्योंकि राकेश राधिका से प्यार करता था, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर वालों के सामने ये स्वीकार करने को कहा कि तुम राधिका से प्यार करते हो। वो तो मैं स्वीकार कर ही चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तुम राधिका से शादी कर लो। बात जहाँ शुरू हुई थी वही खत्म हो जाएगी। हाँ भाई चाय पिला लीजिए। आज का दिन ना हमारी रितिका के लिए बहुत शुभ है जी, बहुत खुशी हो रही है। एक नया सवेरा लेकर आया है ये दिन। तुम्हारी रितिका से बात हुई? जी हाँ, आज सुबह ही उसका फोन आया था। उसे कह रही थी कि क्योंकि उसने अपनी मर्यादाओं को कायम रखा, जीत उसी की हुई। हमेशा ऐसा ही होता है। और देखिए, उसने अपना मकसद तो पूरा किया, साथ ही साथ हर परिस्थिति में एक नारी की मर्यादाओं को भी कायम रखा। बिल्कुल सही कहा। समझी जी, आप आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। जैसा मुझे ये गर्व है कि रितिका मेरी बहू है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी रितिका पर गर्व होगा। या बिल्कुल। दरअसल गलतियां हमने की जैसा। जैसा मुझे ये गर्व है कि रितिका मेरी बहू है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी रितिका पर गर्व होगा। या बिल्कुल। दरअसल गलतियां हमने की जैसा। कभी हालात के हाथों मजबूर होकर, कभी गुस्से में आकर गलत फैसले लिए, लेकिन रितिका बिटिया ने हमेशा हमें संभाला, संभालने की कोशिश की। आज उसी की कोशिशों का नतीजा है मेरा घर खुशियों से महक रहा है। बहुत खुश हूं। कहां एक तरफ मेरे बेटे की जिंदगी उजड़ने वाली थी, हमारी बहू हमसे बिछड़ने वाली थी, इस बात का दुख था हमें, डर था, और कहां दूसरी तरफ हमारी बेटी की जिंदगी उलझनों से उलझी हुई थी। रितिका बिटिया की कोशिशों की वजह से तमाम उलझने सुलझ गई। अरे भाई, समधन जी को कुछ चाय नाश्ता लेके आओ जी, अभी ला। अरे नहीं नहीं समधन जी, बैठिए बैठिए, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब दिल खुशी से भरा हो और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं तो दरअसल आपको वो साक्षी के बारे में खुशखबरी सुनाने आया। कैसे खुशखबरी? साक्षी के बारे में पता चल गया? जी हाँ, पता चल गया, और उसके रिश्ते की बात भी शुरू हो गई, और वो बात खुद नीलिमा जी करने आई थी हमारे साथ। मैं तो शर्मिंदगी के मारे चुपचाप खामोश बैठ गया था, लेकिन रितिका बिटिया की कोशिशें जारी थी। भाई वाह, बहू हो तो रितिका जैसी। रघुवीर जी, साक्षी है कहाँ? वो के मुंजाल का नाम तो आपने सुना होगा ना? उन्हीं के घर पर है। दरअसल साक्षी ने उनके बेटे गौरव की जान बचाई थी। गौरव का एक्सीडेंट साक्षी के सामने हुआ था, और साक्षी उसे अस्पताल लेकर गई थी। ओ जी हाँ,
साक्षी मुंजाल साहब के घर पर है और खुद मुंजाल साहब ने साक्षी के रिश्ते की बात उन लोगों से की है और ये बात हमें किसी और ने नहीं नीलिमा जी ने खुद बताई है। मानस गया है साक्षी को लाने की। चलिए बड़ा अच्छा होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। हम लोग बिपिन को मुंजाल के करोड़ों के जायदाद का मालिक बनाना चाहते हैं और राजेश्वर और उसकी बीवी बिपिन को रितिका का पति बनाना चाहते हैं। ओफो मैडम, उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि राकेश राकेश है ही नहीं। लेकिन एक बात है, आप विपिन को समझाइए कि वो रितिका से दूर ही रहे। हाँ, ये जो मुद्दा उठा था फिलहाल तो वो खत्म हो चुका है क्योंकि मेरी स्नेहा से बात हुई थी। स्नेहा ने ये कहकर ये बात को टाल दिया है कि स्नेहा की बहन राधिका और राकेश दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब कामयाबी मिलनी होती है ना तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। हाँ ये सच है, स्नेहा की बहन राधिका दिल ही दिल में राकेश से प्यार करने लगी थी। मैडम मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे स्नेहा की कोई चाल हो? क्योंकि ये तो आप भी मानती हैं कि वो बेहद शातिर औरत है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैडम विपिन आपका आदमी जरूर है लेकिन दौलत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है और वहाँ विपिन के साथ हमारा तो कोई नहीं होगा लेकिन स्नेहा अपनी बहन की शादी विपिन से करवा रही है और वो विपिन को ही नहीं बल्कि अपनी बहन को भी करोड़ों की जायदाद की मालकिन बना रही है। कि क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ मैडम। हो सकता है कि ये स्नेहा की सोची समझी चाल हो। वो जानबूझ के अपनी बहन राधिका को विपिन के पीछे लगाना चाहती हो। शायद उसका ये प्लान हो कि आगे चल के वो विपिन को अपनी मुट्ठी में कर लेगी और करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन। आपको इस बारे में गहराई से सोचना होगा, पूरी गहराई से। जिस मानस को आपने गवाही देकर बचाया था वो मेरे ही भैया है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने पहचाना नहीं मुझे? मैंने आपको इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उस दिन मैं कोर्ट नहीं आई थी लेकिन मैंने आपके बारे में सुना जरूर था। अच्छा ये बात थी। साक्षी नहीं पहचाना क्योंकि उस दिन मैं कोर्ट नहीं आई थी लेकिन मैंने आपके बारे में सुना जरूर था। अच्छा ये बात थी। साक्षी इस तरह भी नाराज होता है कि घर छोड़ देता है अपना घर? जाने दीजिए भैया, पापा कैसे हैं? ठीक है डैड, तुम यहां हो हमें मालूम ही नहीं था। तुम्हारे वजह से रितिका की क्या हालत हो गई है जानती हो तुम? चलो आओ घर चलो। नहीं भैया, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना है? ऐसे भी क्या बात हो गई है? क्योंकि जिस बदनसीबी की वजह से मैंने घर छोड़ा था वो बदनसीबी आज भी मेरे साथ है भैया। नहीं साक्षी, नहीं साक्षी। जिस बदनसीबी की वजह से तुम घर छोड़कर आई थी मैं वादा करता हूं कि उसी बदनसीबी को मैं तुम्हारी खुशनसीबी में बदल दूंगा। राहुल और राजेश्वर को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। नमस्ते।
साक्षी का भाई हूं मानस। सुन चुका हूं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस वक्त साक्षी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त तुम लोगों ने उसे घर से बेघर कर दिया। जब विश्वास टूटता है तो ऐसी बातें इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती है। ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन मैंने तो साक्षी को वादा किया है कि मैं किसी भी हालत में उसे उसका हक दिलाकर ही रहूंगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कोशिशें कामयाब हो गई। आप राहुल के घर इसका रिश्ता लेके गए थे ना, इसीलिए आप वो लोग मान गए हैं, वो लोग शादी के लिए तैयार हैं। बस मुहूर्त निकलवाना है और शादी की तारीख पक्की करनी है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने साक्षी को अपने घर पनाह ही नहीं दी, बल्कि एक बेटी बनाकर रखा। बाप होने का फर्ज पूरा किया आपने। आज आपकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। अब चलो साक्षी, घर में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन। धागे से बंधा इसमें संसार है पिया।